हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लिनक्स कमांड प्रोग्रामिंग, जिसमें आज हम सीखेंगे सीडी कमांड का यूज़। सीडी कमांड इज़ अ चेन डायरेक्टरी, और इसके साथ कुछ बेसिक कमांड और सीखेंगे, जैसे ls एंड pwd। तो सबसे पहले हम बेसिकली थोड़ा सा लिनक्स के बारे में और विंडोज़ के बारे में जान लेते हैं, ताकि कंपेयर करने में ईजीली हो जाएगा समझना। जैसे विंडोज़ में माय कंप्यूटर के अंदर सब कुछ होता है, जैसे सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, और उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं। तो उसका पाथ हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे सी कोलन, फिर उसका पाथ, जैसे अगर उसके अंदर कोई फोल्डर है प्रोग्राम नाम, तो सी कोलन स्लैश प्रोग्राम, फिर उस प्रोग्राम के अंदर कुछ फोल्डर है लाइक जैसे abc, तो सी कोलन स्लैश प्रोग्राम स्लैश abc। उसी प्रकार लिनक्स में सब कुछ जो स्टार्ट होता है वो स्लैश से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो भी फोल्डर होते हैं वो स्लैश के अंदर आते हैं, लाइक स्लैश अतुल, फिर स्लैश अतुल के अंदर स्लैश सिस्टम, और स्लैश के अंदर स्लैश रूट, और स्लैश रूट के अंदर स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। तो बेसिकली मैंने आज इस नाम के फोल्डर्स बनाए हैं, और इसके ऊपर हम सीडी कमांड का यूज़ करेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ सीडी कमांड का यूज़ होता है। तो चलिए लिनक्स ओपन करते हैं। सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल, ठीक है। अब लिनक्स में कोई भी अगर यूज़र जब टर्मिनल ओपन करता है, तो वो अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जैसे होम डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी होती है उसकी होम डायरेक्टरी होती है। लाइक जैसे अब आपको देखना है कि आपकी होम डायरेक्टरी क्या है, तो pwd कमांड यूज़ करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो वो अभी आपकी लोकेशन स्लैश शो कर रहा है, जैसा इसमें मैंने बताया था आपकी लोकेशन अभी वो यहाँ पर शो कर रहा है स्लैश के अंदर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, लाइक जैसे आप सीडी से डेस्कटॉप में आना चाहते हो, तो सीडी कमांड का यूज़ करके आप डेस्कटॉप में कैसे आओगे मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सीडी, और नेक्स्ट जैसे अगला नेक्स्ट ही फोल्डर डेस्कटॉप था, तो अपन सीडी एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे स्पेस, फिर स्पेस के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे सीडी डायरेक्टली डेस्कटॉप और इंटर। तो अब हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखिए, तो हम चेक करते हैं हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी सीडी से चेंज हो चुकी है, और जिस अभी है स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। अब लाइक ऐसे आप इसके जस्ट प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो आप सीडी स्पेस डॉट डॉट एंड इंटर, तो आप जस्ट इसकी प्रीवियस डायरेक्टरी में चलेगा, और आप इसको चेक कर सकते हैं pwd से स्लैश रूट, है ना। अगर आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर स्लैश में जाना चाहते हो, लाइक सीडी एंड फिर स्लैश और इंटर, ठीक है। और अगर लाइक जैसे आप चाहते हो कि अब मैं जस्ट करंट डायरेक्टरी में किसी में था तो उसमें जाना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली सीडी के साथ स्पेस एंड हाइफन का यूज़ करके प्रीवियस डायरेक्टरी में जा सकते हो। जैसे लाइक अब प्रीवियस डायरेक्टरी में आ गए pwd करके चेक कर लीजिए। और इसी प्रकार एक टिल होता है, टिल का यूज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं सीडी के साथ कि आप अगर आपके होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, अगर आप करंटली लोकेशन कहीं पर भी हो, जैसे लाइक मैं पहले चेंज कर देता हूँ मेरी लोकेशन सीडी डेस्कटॉप डेस्कटॉप के साथ abc के अंदर मैं अंकित पर चले जाता हूँ, और अगर मेरे को डायरेक्टली विथआउट एनी ऑप्शन कि अगर मैं डायरेक्टली जाना है कि मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, तो सीडी स्पेस एंड टिल का साइन एंड इंटर, आप डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे लाइक आप अभी प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना चाहते हो वापस, जैसे सीडी के साथ हाइफन यूज़ करा, तो जस्ट आप अंकित में पहुँच जाएंगे वापस करेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा कमांड टाइप नहीं करना पड़ेगी, फोल्डर का नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से किसी लोकेशन में जाना चाहते हो, जैसे ये फोल्डर है मान लीजिए, ये फोल्डर है, आप यहाँ जाना चाहते हो स्लैश अतुल स्लैश सिस्टम में, और आपकी करंट लोकेशन ये शो कर रही है, करंट लोकेशन शो कर रही है आपकी स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप abc एंड अंकित के अंदर। अगर आप जाना चाहते हो कि मैं इसमें चल जाऊँ डायरेक्टली यहाँ पर स्लैश अतुल स्लैश सिस्टम, तो इसके दो डिफरेंट तरीके हैं आप जाने के, या तो आप यहाँ से पूरा पाथ डिफाइन करो यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो यहाँ से। तो पहले हम सीधा सीधा पाथ देखेंगे स्लैश से, ठीक है।
तो हम इसका सीधा पाथ से जाते हैं, लाइक जैसे हमको सीधी स्लेस, स्लेस के बाद अतुल, अतुल के बाद मेरे को जाना है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये डिफरेंट हो गया। अब दूसरा मैं बताता हूँ, लाइक जैसे पहले तो मैं पीडीएफ डायरेक्ट में चल जाता हूँ, इसके अंदर आ गया मैं अंकित के अंदर और मैंने यहाँ पीडीएफ वीडियो करा, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये हो गया कि आप जाना चाहते हो सी डी स्लेस अतुल स्लेस सिस्टम में, तो सी डी जस्ट प्रीवियस डायरेक्टरी डॉट एक को प्रीवियस, लाइक एक को प्रीवियस जैसे अंकित, अंकित की जस्ट प्रीवियस ए बी सी, ठीक है। अंकित की जस्ट प्रीवियस में आ गया मैं ए बी सी, और ए बी सी से जस्ट प्रीवियस हो गया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से जस्ट प्रीवियस हो गया रूट, और रूट से जस्ट प्रीवियस हो गया स्लेस। अब स्लेस से मैं यहाँ से उसके अतुल का नाम लिख के एंड उसका सिस्टम पूरा लोकेशन। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जिससे हम अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, और सी डी कमांड के बहुत सारी यूज़ है जिसका अपन मेन के अंदर जाकर, मेन एंड सी डी इसके अंदर अपन उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि सी डी के क्या क्या यूज़ है एंड उसके उसमें क्या क्या ऑप्शन और यूज़ करके अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन यू कैन लर्न एंड ईजीली ईजीली कुछ भी चेंज कर सकते हो पार्ट वगैरह, और जैसे लाइक जैसे अब जैसे मैंने एल एस का बताया था, अब एल एस कमांड का यूज़ करके सी डी स्लैश डेस्कटॉप, जैसे मैं सी डी स्लैश गया सी डी स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के अंदर आपको चेक करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट फोल्डर कौन सा है या कौन सी फाइल पड़ी, तो आप एल एस कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट उसने बता दिया लाइक जैसे ए बी सी फोल्डर अगला फोल्डर है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको जाना है तो सी डी ए बी सी, ए बी सी के अंदर अपन देखना चाहते हैं कि और कौन से फोल्डर है, तो अपन एल एस कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे सी डी के अंदर एल एस करा अपनों, तो इसके अंदर शो होगा अपने अंकित नाम का एक फोल्डर हो रहा है, अगर उसके अंदर आप जाना चाहते हो तो सी डी अंकित इंटर। अब अंकित के अंदर अपन चेक करेंगे क्या है अंकित, अगर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा मतलब देर बिल्कुल ब्लैंक है इस फोल्डर में कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज हम इतना ही सीखेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।